स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह, आज हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम। इससे पहले हमने क्या था संश्लिष्ट रेशे, इसके बीच में एक चैप्टर और बचता है धातु और अधातु, वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकेंड टर्म में आएगा। कोयला और पेट्रोलियम में इसमें हमने क्या करना है कि जैसे हम कुछ पहले एक आइडिया ले लेते हैं ओवरव्यू, जिससे हमें पता चल जाए कि कोयला और पेट्रोलियम क्या चीज़ें हैं। तो हम घर में कुछ ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और जो कि प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव ने स्वयं निर्मित किए हैं। जैसे प्राकृतिक में पाए जाने वाले वन हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जो मानव ने निर्मित किए हैं उनमें से जैसे सबसे मेन एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास चैप्टर में किया है, प्लास्टिक है, रियोन है, पॉलीथीन है, जो ये मानव ने निर्मित किए हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं चीज़ें उनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। और जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वायु, जल, मृदा, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन हैं जो उनकी विभिन्न इनकी उपलब्धता कि ये कितने प्राप्त हैं, कितने दिनों तक रह सकते हैं, उपलब्धता के बेस पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो वो है जो कि ख़त्म नहीं होते और जो दूसरे हैं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जो अक्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन है वो असीमित मात्रा में प्रेजेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी मानव के कार्य करने से भी, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। और समाप्त होने वालों में क्या होगा, वो सीमित मात्रा में है, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे अगर उनका ज़्यादा यूज किया गया तो। जैसे उदाहरण में है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या करेंगे कि क्लास के सभी बच्चों को ग्रुप में बांट देते हैं, जिसमें हमने एक में लिया एक बच्चा, दूसरे में दो, तीसरे ग्रुप में चार ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे हमने जो इनके एक ग्रुप लिए, एक के साथ आगे कई ग्रुप बनाए हैं, जैसे एक को बनाया एक पीढ़ी, फिर अगला में भी एक आया उसकी एक पीढ़ी, फिर अगला एक पीढ़ी, दो वाले की एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बनाया, फिर तीन वाले की, चार वाले की, ऐसे क्या किया ग्रुप बनाया हमने, एक का ग्रुप, दो का ग्रुप और चार का ग्रुप। इसके बाद ये हमने मान ली पीढ़ी एक। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी अगली पीढ़ी आई, इसमें एक आया, इसमें फिर दो हैं, इसमें चार हैं, ये आ गई पीढ़ी दो। फिर अगली पीढ़ी आ गई, उसको मान लिया हमने पीढ़ी नंबर तीन। और इन सबको हमने एक फिक्स अमाउंट में बर्तन दे दिया, जिसमें हमने कुछ भी मान लो चने डाल रखे हैं, चीनी डाल रखी है, पॉपकॉर्न डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है। और इनको बोला गया है हाँ भाई पहली पीढ़ी वाले ले लो इसमें से, सभी ने ले लिया। ठीक है, फिर कुछ बच गया, फिर अगले को बोला भाई हाँ दूसरी पीढ़ी वाले ले लो, फिर तीसरी पीढ़ी वाले ले लो, ऐसे ही लेने लग गए तीसरी पीढ़ी वाले। अब इसमें क्या देखना है कि जो फर्स्ट पीढ़ी में से लिया था कि जो पहला बर्तन था इसमें काफ़ी सामान बच गया था, दूसरे में उससे कम बचा, तीसरे में उससे कम बचेगा, ऐसे सेकंड पीढ़ी में आया फिर इसमें बच जाएगा क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें दो हैं, फिर चौथी में तीसरी में आया इसमें कम होता जाएगा, इस ये सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इसका मतलब क्या है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही प्राकृतिक संसाधन जल्दी ख़त्म होंगे। ठीक है, अब जो इन मान लिया कि हमने इन पात्रों में जो हमने रखा था खाद्य पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन थे, अब ऐसे ही इन पीढ़ियों के बारे में बात करें, पहली पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, जैसे हम अपनी बात करें हमारे दादा थे, फिर पापा आए और फिर हम आए, तीन पीढ़ी होगी। जो हमारे दादा ने कुछ यूज किया कोयला, पेट्रोलियम, गैस, फिर हमारे फादर ने यूज किया और फिर हम यूज करेंगे, उसमें क्या हुआ कि कोई एक आधी ऐसी पीढ़ी आ जाए जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज कर जाए, लेकिन उससे क्या होगा कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ख़त्म होने वाले हमारे प्राकृतिक संसाधन है, तो इससे हमें बचना है। तो इसमें क्या है, इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव मृत प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इसे जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। मृत अवशेषों से कैसे हुआ कि जो ये जीव थे हजारों साल पहले क्या
क्या हुआ, कुछ ऐसा भूकंप आया होगा या कुछ ऐसी कंडीशन हुई होगी जिससे कि ये सारे के सारे ज़मीन के अंदर चले गए हैं, और जो पेड़ पौधे थे उनसे कोयला बना और जो जीव जंतु थे उनसे पेट्रोलियम बना। ठीक है।